हेलो एवरीवन, माय नेम इज ओमकार और आपका स्वागत है खुसफुस के कार पॉडकास्ट में। अभी कार पॉडकास्ट इसलिए बिकॉज यार जगह नहीं मिल रही है यार और कुछ शूट करने के लिए, और पॉडकास्ट करना है मुझे बट बहुत लेंदी वीडियो होने वाला है वो। सो बिफोर दिस थिंग वो यू नो एवापोरेट्स वाओ क्या हिंदी हो गया है क्या इंग्लिश हो गया मेरा। तो बिफोर दिस थिंग गेट्स आउट एंड वो ट्रेंडिंग के बाहर निकल जाए तो मुझे खत्म करना है बिकॉज ये टॉपिक अभी गर्म है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। मैंने अभी 3 वीडियो डाले उसके ऊपर एंड मेरे कुछ दोस्तों के मुझे रिप्लाईज भी आए हैं अबाउट फेक फेमिनिज्म एंड ऑल दैट, बट ऑफ कोर्स दे डोंट मीन दैट आई वाज प्रमोटिंग इट, बट द थिंग इज दैट दे आर सपोर्टिंग एनिमल मूवी। कहां से आते हैं? एंड ऑफ कोर्स सी द होल पॉइंट इज ना, मेरा प्रॉब्लम फिक्शन से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम क्या बोलते हैं ना उसको, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विथ व्हाट यू शो इन द मूवी। कबीर सिंह के टाइम पे भी यही चीज हुई थी और बहुत सारे लोग यही चीज के बारे में वापस बात कर रहे थे। मेरा प्रॉब्लम है दैट व्हेन यू हैव एन एक्टर लाइक रणबीर कपूर हु इज अ ट्रेंड सेटर एज इन जब अमिताभ बच्चन एक तरीके से बाल काटते थे 1980s एंड 90s, तब एक ट्रेंड सेट हो जाता था, हर कोई वैसे ही बाल काटता था, हर गली में अमिताभ बच्चन दिखता था, वो एक वर्स था तभी। तो जब रणबीर कपूर जैसा एक्टर है जो एक ट्रेंड सेटर है जिसका एक बहुत बड़ा ऑडियंस है इंडिया में, वो ऐसी बातें एक मूवी के अंदर करता है तो कहीं ना कहीं एक लार्जर ग्रुप ऑफ मैन इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मेरे जो कनेक्शन है जो मुझे रिप्लाई कर रहे हैं दे आर फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, प्रिविलेज एज इन उनको अच्छी पढ़ाई मिली है, दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर वर्किंग इन अ गुड कंपनीज एंड एवरीथिंग, एंड ऑफकोर्स दे वुडंट अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस वॉट काइंड ऑफ इफेक्ट इट विल हैव इन अ रूरल एरिया जहाँ पे एक बंदा बेसिकली ये मूवी देख रहा है बिकॉज इट्स एन हिंदी मूवी राइट, और हिंदी मूवी हर गाँव खेड़े में लगती है। तो इस पॉइंट पे हाउ अ पर्सन इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस एंड टेक इट, ही इज गोइंग टू जस्टिफाई दैट विद दिस पर्टिकुलर मूवी, ही इज गोइंग टू जस्टिफाई दैट अरे तो क्या तू मुझसे प्यार नहीं करती तो थप्पड़ नहीं खा सकती क्या, मतलब लॉजिक की मच। हम बहुत मुश्किल से इस पॉइंट तक पहुंचे कि डोमेस्टिक वायलेंस इज बैड, और इस पॉइंट पे इस मूवी में ये चीज ग्लोरीफाई की गई है विच इज रॉन्ग। और अगेन इफ आई इवन गिव इट लाइक अ पास ऑन दैट कि हाँ ठीक है चल मूवी है फिक्शन है, आई डोंट एक्सपेक्ट अ डायरेक्टर टू जस्टिफाई इट इन एन इंटरव्यू। जैसे अभी आई गिव यू एन एग्जांपल, सैराट मूवी आई, सैराट मूवी में दोनों कैरेक्टर्स भागते हैं घर से, ये देख के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में भागे घर से राइट, बट सैराट मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने कभी ये चीज प्रमोट नहीं की। नागराज मंजुले नेवर सेड दैट अरे तुम्हें मम्मी पापा यू नो दे आर नॉट अलाउइंग यू टू गेट मैरिड, गेट लॉस्ट, गो आउट एंड भागो घर से, ही नेवर प्रमोटेड दैट, समझ रहे हो आप। टिल द एंड ही ऑलवेज सेड दैट नो इट इज रॉन्ग, ही शोड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो इन द मूवी व्हेन दे रन फ्रॉम द मूवी। सो आपके कैरेक्टर से क्या करवाते हो ये मेरे हाथ में नहीं, वो आपकी स्टोरी है, वो आपका खुद का बेनिफिट ऑफ डाउट है। कबीर सिंह के टाइम पे मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाए, देयर वाज अ रीजन फॉर दैट, मैंने मेरा एक रिव्यू बनाया था अर्जुन रेड्डी के टाइम पे, बट कबीर सिंह के टाइम पे मैंने बनाई बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मूवी, आई गेट इट, इट्स फिक्शन, इट्स कैरेक्टर, बट व्हेन अ डायरेक्टर लाइक संदीप रेड्डी वांगा जिसके ऊपर इतना सारा बजट डाल के एक मूवी बनाई जाती है जिसका इतना बड़ा जिसका इतना बड़ा व्यूअरशिप है, जिसका इतना बड़ा काइंड ऑफ इतने सारे लोग वो मूवी देखने वाले हैं, आई जस्ट फील दैट ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल विथ वर्ड्स राइट। यू कांट एसोसिएट वायलेंस विथ लव, लाइक दैट्स द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कुड से इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो। आज के एरा में जहां पे हर कोई एक पॉइंट पे आगे बढ़ रहा है, अपने विचारों से हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे आप ऐसे थॉट्स आउट्रो नहीं कर सकते। सो दिस इज वन पॉइंट विद आई वॉज सो एंग्री व्हेन ही सेड दैट आई वॉज लाफिंग, आई डिडंट इवन नो हाउ टू यू नो कंट्रोल माई इमोशंस एट दैट पॉइंट। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम, बिकॉज इट्स बैड at any point, I am not just saying that man hitting woman is wrong, women hitting man is also wrong, any type of violence in such scenarios is wrong,
And that's my clear and honest view. And that's what I feel. Other than that, when I see YouTubers like Prajakta Koi, YouTubers like Ranveer Alabadia, Abhiyanyu, Nitish Rajput, and Dhruv Rathi, then Tanmay Bhatt, jinka bahut bada impact hai. और ये ऐसे वेरियस फोरम्स में जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया और प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी. और ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसी चीजों पे बात नहीं करते. मुझे इस चीज से प्रॉब्लम कि जो लोग इनके पास मैक्सिमम क्राउड 18 से 25 साल 30 साल का है, मोस्ट क्राउड इनके मोस्ट सब्सक्राइबर्स आर एट दैट एज ग्रुप, और आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो. आप आई लव दीज कॉम, मैं खुद सब्सक्राइब करता हूँ इनको सबको. सो आई वॉज रियली सैड दैट नोबडी वॉन्टेड टू से एनीथिंग बिकॉज इट इज सेल्फिश बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर्क विद बॉलीवुड मूवी स्टार्स एंड वर्क इन बॉलीवुड मूवीज. प्राजक्ता कोहली जस्ट डिड अ धर्मा मूवी. सो आई अंडरस्टैंड दैट योर पर्सनल इंटरेस्ट आर स्टेक एट स्टेक. बट यार जो लोगों ने आपको मिलियंस और यू नो इतने सारे व्यूज देके सब्सक्राइब करके उस लेवल तक पहुंचाया, डोंट यू थिंक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके लिए? नहीं. डोंट यू थिंक आपका व्यू पॉइंट इज नेसेसरी एट दिस पॉइंट? नहीं. एंड दैट्स व्हाट आई फील दैट अगर आप सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने के लिए हो यूट्यूब पे तो यार कम ऑन, आई डोंट इवन हैव इश्यू विद इट. अब करो ना यार, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जो दूर रहते हैं ये सब चीज से, जैसे एंड दे जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल, दे जस्ट वॉन्ट टू डू व्लॉग्स. जैसे गौरव तनेजा है, ट्रैवलिंग देसी है, वो लोग ने कभी ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं है. दे आर ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन सच फोरम्स, राइट? एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट वेन पीपल लाइक दिस आर गेटिंग प्रमोटेड ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, दे फील दैट इट्स देयर ड्यूटी टू से फ्यू थिंग्स. जब आप जस्ट बिकॉज देयर इज एन पर्सनल इंटरेस्ट आप चुप रहते हो तो मुझे बिट्रेड फील होता है एज अ सब्सक्राइबर. चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है. सो दैट्स द रीजन आई पॉइंटेड आउट एंड कॉल्ड देम आउट. एंड सी, मैं एक इतना छोटा यूट्यूबर हूँ, शायद ये चीज उन तक पहुंचे भी नहीं, पर अगर कुछ लोगों तक ये पहुंच रही है और वो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज टैग देम एंड टेल देम लाइक स्पीक अबाउट दिस, राइट? प्रियंका चोपड़ा जो पूरी दुनिया में एक एम्बेसडर बनती है वुमेन राइट्स की, शी हैज नॉट इवन सेड एनीथिंग अबाउट दिस मूवी. व्हाई? शी शुड मेंशन समथिंग, राइट? सो दैट्स हाउ इट हैज बीन, यू नो. मेरे को ऐसा लगता है ना कि आई गेट फ्री स्पीच, आई गेट एवरीथिंग, बट फ्री स्पीच विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, It's really bad. You should be responsible enough कि तुम क्या बात कर रहे हो, कौन से फोरम पे बात कर रहे हो, तुम्हारा रीच क्या है, तुम्हें कौन सुन रहा है, तुम्हें सुन के कौन कैसे इन्फ्लुएंस होगा, राइट? दैट्स हाउ इट इज. यू डोंट, यू फील दैट जस्ट बिकॉज यू आर एट अ प्लेटफॉर्म यू हैव द लिबर्टी टू से एनीथिंग. नो, शाहरुख खान हो गया, देन यू नो सलमान खान हो गया, या फिर आमिर खान हो गए. दीज पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर, दे आर जस्ट नॉट एक्टर्स, दे आर पब्लिक फिगर्स. पीपल आर नॉट कमिंग टू वॉच योर मूवीज समटाइम्स बिकॉज द स्टोरी इज गुड, यू नो दे वॉन्ट टू जस्ट गेट एंटरटेन. दे लव यू, दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाई यू. And that's the reason they have to take a call on such things. But people sadly don't. And I just feel that it's really sad for India. Thank you.